हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी कक्षा 8 विषय गणित अध्याय 2 एक चर वाले रेखीय समीकरण प्रश्नावली 2.3 के सवाल नंबर 4 से आज आपको हल कराऊंगा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सवाल नंबर 3 तक हल कर लिए थे। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8 का मैं कुल मिलाकर ये मैथमेटिक्स का 18वां भाग लेकर आया हूं और आज की पढ़ाई की शुरुआत करने से पहले मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को पूरा देखें, पूरा देखने के बाद इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो देखो बच्चों, आज की शुरुआत हो रही है हमारा सवाल नंबर 4। इसमें लिखा है 4z+3=6+2z। इसमें हमें चर जेड लिखा है, इस चर जेड का मान ज्ञात करना है। चर कोई से भी आ सकता है, xyzpqr जो अंग्रेजी के अल्फाबेट 26 अक्षर होते हैं, कोई से भी आ सकता है, तरीका एक ही रहेगा। देखो बच्चों, सबसे पहले अब हम लिखेंगे यहाँ पे हल, और आपको सिखा रखा है कि इन समीकरणों को हल करने के लिए हम पक्षांतरण विधि से हल करते हैं। पक्षांतरण का मतलब चरों की संख्या एक तरफ रखते हैं और सामने अचरों की संख्या रखते हैं, और जिन संख्याओं का हम पक्षांतरण करते हैं उनका चिन्ह बदल दिया जाता है। तो बच्चों आप पता कीजिए, आप अध्ययन कीजिए इस सवाल में किन किन संख्याओं का पक्षांतरण हम करेंगे। हम यहाँ 3 का भी पक्षांतरण करेंगे, +3 उधर जाएगा माइनस का बन जाएगा, और इस 2z का भी करेंगे पक्षांतरण, ये इधर आ जाएगा, ये 3 उधर जाएगा, 6 7 आ जाएगा, तो ये दोनों अचर इकट्ठी हो जाएगी इधर, ये 2z इधर आ जाएगा 4z के पास में, तो ये दोनों चर एक तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, चर एक तरफ और अचर एक तरफ हो जाएंगे। तो हमें लिखना पड़ेगा सबसे पहले पक्षांतरण करने पर। अब अच्छा देखो, 4z का हम 4z लिखेंगे, अब 3 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? इसका मतलब 3 का पक्षांतरण होगा, अर्थात ये 3 उधर जाएगा, आप चिन्ह लगा सकते हो, और ये 2z इधर आएगा, राइट। इन दोनों के ऊपर चिन्ह लगाया, इन दोनों का पक्षांतरण हमें करना है, ये 3 उधर जाएगा, ये 2z इधर आएगा, तो 4z का 4z लिख दिया, 3 अभी हम लिखेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे, क्या लिखा 6, ये 6 इधर, ये 2z लिखा है, 2z दे लिखे हुआ, तो ये लिखेंगे माइनस के 2z। अब लिखो बराबर, देखो दोनों चर इकट्ठे हो गए, अब यहां पे लिखेंगे चर 6, राइट। अब देखो ये 2z इधर है तो माइनस का बन गया, उसी प्रकार ये +3 उधर जाएगा, प्लस का ये, तो ये किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। तो बच्चों देखो कैसे लिखेंगे हम, 4z-2z तो कितना बच जाएगा, राइट 2z। अब 6 में से 3 कटेंगे, पे कितना बच जाएगा, 3। देखो जेड का गुणा 2 से हो रहा है और हमें चर जेड का मान ज्ञात करना है, तो यहां पे जो गुणा की संख्या होती है ये भाग में बदल जाती है, यानी 2 का भाग किस पे लगाएंगे हम, 3 में लगाएंगे, तो किसका मान प्राप्त होगा, जेड का मान प्राप्त होगा, तो लिखेंगे z=3/2। हमें पे इस सवाल का आंसर प्राप्त हो गया z=3/2। अब हम उत्तर की जांच करेंगे, उत्तर की जांच करेंगे बच्चों। कल हमने आपको कल वाले भाग में सिखाया था जांच करना। सबसे पहले हम सवाल की संख्या लिखिए बच्चों, 4z+3/6+2z, राइट। ये हमने सवाल की संख्या लिख दी, अब हमारे जेड का उत्तर कितना आया, 3/2। अब यह मान z=3/2 इस समीकरण में हम रखेंगे, तो लिखना पड़ेगा आपको
जेड बराबर 3/2 समीकरण, क्या है ये समीकरण है, समीकरण में रखने पर, देखो यहां भी जेड लिखा तो 3/2 लिख देंगे जेड की जगह, यहां भी जेड लिखा तो यहां भी हम 3/2 लिख देंगे, 4 का गुणा जेड से हो रहा है मतलब 4 का गुणा 3/2 से करेंगे, 2 का गुणा जेड से हो रहा है मतलब 2 का गुणा 3/2 से करेंगे। तो वो मान को रखना सीखो बच्चों, 4 का 4 गुणा कैसे लगा देना, अब जेड का मारेंगे 3/2 + 3 = 6 + 2 × 3/2 राइट। देखो बच्चों इस जेड का मान 3/2 रख दिया और यहां भी हमने जेड का मान 3/2 रख दिया। अब देखिए काटेंगे 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 तो यहां बच गया 2 × 3, क्या बच गया यहां पे 2 × 3 बच गया, प्लस कितना है 3, इधर 2 से कट जाएगा 2 तो क्या बच गया 6 + 3। अब आप ध्यान दीजिए ये 2 × 3 कितना बन जाएगा 6 + 3, देखो ये भी 6 + 3 और ये भी कितना है यहां पे 6 + 3, दोनों तरफ उत्तर बराबर आ गए, आगे हल करना चाहो तो कर सकते हो आप, 6 + 3 कितना होता है 9 और 6 + 3 कितना होता है 9, मतलब दोनों तरफ हमारे आंसर बराबर आए भी है, तो जब दोनों तरफ ही हमारे मान बराबर आ गए इसका मतलब हमारा उत्तर सही है, तो ये हमारे उत्तर की जांच हो गई। इस प्रकार आपको उत्तर की जांच करनी है। इसके बाद हम अब हम सवाल नंबर 5 सीखेंगे, तो देखिए बच्चों अब हम सवाल नंबर 5 सीखेंगे, प्रश्न आ रही 2.3 का, इसमें लिखा है 2x - 1 = 14 - x। हमारे पास ये 4 संख्याएं हैं, इनमें कुछ संख्याएं चर है और कुछ संख्याएं अचर, हम क्या करेंगे पक्षांतर करने के बाद चरों को एक तरफ रखेंगे और अचरों को दूसरी तरफ इकट्ठा कर लेंगे। पता करो यहां पे ये चर और ये है अचर, ये 2x तो क्या है चर और -1 क्या है अचर, हमारे पास 14 क्या है अचर और -1 क्या हमारे पास चर, हम क्या करेंगे चरों को एक तरफ और अचरों को दूसरी तरफ, तो पहले पता कीजिए बच्चों, देखो यदि ये -1 इधर लाऊंगा इसके साथ आ जाएगा और ये -1 उधर जाएगा 14 के साथ आ जाएगा, तो हमें मालूम पड़ेगा सबसे पहले कि हमें पक्षांतरण किसका करना है, हम 1 + -1 का करेंगे उधर जाएगा, 1 - x का करेंगे, ये -1 इधर आ जाएगा तो +1 बन जाएगा और ये -1 इधर आ जाएगा तो +x बन जाएगा, ये हमें इस एरो का मतलब है, ये हमें पहचान होगी कि हमें इसका भी पक्षांतरण करना है -1 का और -x का भी हमें पक्षांतरण करना है, तो लिखना पड़ेगा पक्षांतरण करने पर, अब वो कैसे करेंगे पक्षांतरण, इस 2x का तो नहीं हो रहा पक्षांतरण तो ये तो वैसी की वैसी लिखेंगे राइट। अब -1 का हो रहा पक्षांतरण इसको मत लिखो आप, इधर 14 का नहीं हो रहा इसको भी छोड़ दो अभी आप, इस -1 का होगा इधर आएगा ये, तो ये -1 इधर आएगा तो किसका बन जाएगा प्लस का बन जाएगा, अब लिखो बराबर 14 का 14, अभी -1 उधर जाएगा तो किसका बन जाएगा ये प्लस का 1 बन जाएगा, अब बच्चे तो 2x + 1x ये मिलकर कितना बन जाएगा 3x, इधर 14 + 1 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा 15 बन गया। अब देखो बच्चों हमारे पास 3x का मान 15 आ गया और हमें चर x का मान ज्ञात करना है, तो चर का मान अंत में कैसे ज्ञात करते हैं कि चर का गुणा कितने से हो रहा है उस गुणों वाली संख्या का भाग इसमें लगा दो सामने वाली में, तो यहां गुणा कितने से हो रहा है 3 से, तो 3 का भाग किसमें लगाएंगे हम 15 में लगाएंगे, तो कैसे एक्स बराबर 15/3, एक्स बराबर अब 15 में 3 का भाग देंगे
तो 15 3 का भाग कितने बार जाएगा, 5 बार, क्योंकि 3 बंजे 15। तो देखो हमको यहाँ पे x का मान प्राप्त हो गया, इसमें x बराबर कितना आया, 5, ये हमारा आंसर आया। अब हम उत्तर की जांच करेंगे कि हमारा ये उत्तर सही है या गलत। देखिए उत्तर की जांच के लिए सबसे पहले हम समीकरण को लिखेंगे, सवाल दिए गई संख्या को वैसा का वैसा लिखेंगे बच्चों। 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस का x, ये हमने समीकरण को लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये तो उत्तर आया ना x बराबर 5, इस x बराबर 5 को इस समीकरण में रखेंगे, यानी हमें इस x और इस x की जगह क्या रखना है, 5 रखना है, फिर हल करके देखेंगे। तो लिखेंगे हम x बराबर 5 समीकरण में रखने पर, अब देखिए 2 का गुणा x से हो रहा है, तो देखो 2 का 2 गुणा का 3, x का मान पे कितना 5, तो x लेके 5 रख दीजिए। माइनस 1 बराबर ये 14 का 14 माइनस, अब x का मान कितना हमारे पास 5 है ये, तो x का मान क्या कर देंगे वापस 5, हमने यहां भी x का मान 5 रख दिया और यहां भी x का मान 5 रख दिया। अब अलग करो 2 को 5 से गुणा करने पर कितना आता है, देखो 2 5 10 माइनस का 1, इधर 14 से 5 घटाइए यार, 14 से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 9, इधर 10 से करेंगे तो कितना बचेगा 9, इधर भी कितना आया 9, बताओ यहां पे दोनों तरफ आंसर बराबर आया नहीं आया, यहां दोनों तरफ उत्तर बराबर आ गया। बेटा इसका मतलब ये हुआ कि हमारा उत्तर x बराबर 5 सही है, हमने उत्तर की जांच अच्छी तरह कर ली। कैसे पता पड़ा कि दोनों तरफ उत्तर बराबर आ गए, अच्छे से समझ आया आपके। अब इसके बाद में सवाल नंबर 6 सीखेंगे। देखिए बच्चों प्रश्न 2.3 का सवाल नंबर 6 सीखेंगे। 8x प्लस 4 बराबर 3, इस कोष्टक पर यहां कोई चिन्ह नहीं है तो इसको गुणा मानते हैं, तो 3 गुणा कोष्टक में x माइनस 1 प्लस 7। बड़ा थोड़ा सा सवाल में चेंजिंग हो गया, जरा ध्यान देना। यहां पे इस सवाल को हल करेंगे कैसे, सबसे पहले हम ये जो कोष्टक बना हुआ है इन दोनों संख्या का किससे गुणा करेंगे, 3 से। बाकी जो तरीका बना भी आपको सिखाया वो का वही तरीका लगेगा। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले आप सवाल की संख्या लिखिए, 8x प्लस 4 बराबर 3, कोई भी चिन्ह है तो आप इसको गुणा मान सकते हैं, ये गुणा x माइनस 1 प्लस 7, राइट। अब देखो बच्चों ये 8x प्लस 4 तो वैसा का वैसा ही आएगा, और यहां पे ये दोनों संख्या गुणा किससे होगा, 3 से। तो देखो 3 गुणा एक्स, अभी क्या माइनस है, तो माइनस 1 का गुणा किससे होगा, 3 से प्लस 7। देखो 3 का गुणा 1 से भी हो गया और 3 का गुणा यहां माइनस 1 से भी हो गया, देखो 3 गुणा माइनस 1 और ये 3 गुणा एक्स, 3 का एक्स से भी गुणा कर लिया और 3 का माइनस 1 से भी हमने गुणा कर लिया। हल करना सीखो आप, 8x प्लस 4, राइट। अब 3 को हम x से गुणा करेंगे तो 3x बन जाता है माइनस, अब 3 को x से गुणा करने पर 3 बन जाता है, ये प्लस 7 वैसा का वैसा, अच्छी तरह समझ में आया आपके। हमने क्या किया बच्चों, इन कोष्ठक वाली संख्या को 3 से गुणा किया बस, 3 को x से गुणा किया 3x, 3 को माइनस 1 से गुणा किया माइनस 3। जिस बच्चों की ये गुणा मौखिक आता है वो इस स्टेप को डर भी सकता है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आप क्या करो, जिसको नहीं आता है इस स्टेप को खोल के लिखो, पहले x का गुणा 3 से करके देखो और यहां 3 का गुणा माइनस 1 से करके देखना, गुणा कर लिया अपन ने। अब देखो आप अब हम क्या करेंगे, पक्षांतरण,
पक्षांतरण करने पर। देखो क्या क्या प्राप्त होगा, अब पहले पहचान करो किस किस का होगा। एक तो इसका होगा पक्षांतरण और एक इसका होगा, राइट। तो देखो आठ एक्स का आठ एक्स, तीन एक्स इधर लाएंगे, माइनस के तीन एक्स बराबर, ये माइनस का क्या लिखेंगे तीन, ये प्लस का लिखेंगे सात, और चार उधर जाएगा प्लस का, तो किसका बन जाएगा ये माइनस का बन जाएगा। अब आप देखिए बच्चों आठ एक्स माइनस तीन एक्स तो कितना बचता है, पांच एक्स। और अब देखिए आप हमारे पास ये दोनों संख्या माइनस की है, तो ये दोनों माइनस की जुड़ जाएगी, आप इन दोनों को जोड़ दो तो ये माइनस के सात और प्लस के सात। अच्छे से देखना ये माइनस और ये माइनस दोनों माइनस है, तो माइनस तीन माइनस चार मिलकर के माइनस सात और ये प्लस सात वैसा का वैसा, हम इन दोनों को जोड़ दिया। देखिए पांच एक्स का पांच एक्स, अब एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है और दोनों संख्या समान है, तो प्लस सात और माइनस सात जब इनको जोड़ेंगे तो क्या बचेगा जीरो, क्योंकि जब एक संख्या माइनस की होती है और एक संख्या प्लस की होती है तो जोड़ते समय हम इनका घटाव करते हैं, क्या करते हैं इनका घटाव मतलब बाकी, तो सात के साथ गया क्या बच जाएगा जीरो। अब एक्स का मान ज्ञात करना है तो जीरो बटा पांच, क्योंकि एक्स को ना पांच से हो रहा है तो पांच का भाग जीरो में देंगे तो एक्स बराबर क्या प्राप्त होगा जीरो आंसर इसका प्राप्त होगा, इसका आंसर जीरो प्राप्त हो गया। अब देखो बच्चों उत्तर की जांच करेंगे इसी प्रकार, उत्तर की जांच के लिए सबसे पहले हम सवाल की संख्या लिखेंगे आठ एक्स प्लस चार बराबर तीन, कोष्टक में एक्स माइनस एक प्लस सात, राइट। अब हम क्या करेंगे जो हमारा उत्तर आया इस चर का उत्तर कितना एक्स बराबर जीरो आया, तो एक्स बराबर जीरो इस समीकरण में हमको रख के देखना है, तो ये लिखेंगे एक्स बराबर जीरो समीकरण में रखने पर। अब देखो यहां एक्स लिखा तो यहां भी जीरो रखेंगे और यहां एक्स लिखा तो यहां भी जीरो रखेंगे और यहां भी जीरो, जहां चाहे एक्स लिखा उस एक्स जगह पर क्या लिखेंगे जीरो। तो देखो आठ का गुणा एक्स से हो रहा है तो हम लिखेंगे आठ गुणा जीरो प्लस चार, ये तीन का तीन। अब देखो बच्चों कोई चिन्ह नहीं है तो यह क्या मानेंगे गुणा, फिर एक्स का मान रख देंगे जीरो माइनस एक प्लस का सात। अब आप देखिए ध्यानपूर्वक आठ को जीरो से गुणा करने पर क्या बन जाता है जीरो, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करने पर जीरो आता है। प्लस चार, अब देखो तीन को जीरो से गुणा करेंगे तो तीन इंटू जीरो, फिर माइनस एक का भी गुणा किससे करेंगे हम तीन से प्लस के सात। अब जीरो में चार जोड़ने पर कितना आता है चार आता है, इधर तीन को जीरो से गुणा करने पर जीरो और माइनस एक का गुणा तीन से करेंगे तो माइनस के तीन, ये प्लस के सात वैसा का वैसा, चार का चार। अब देखो जीरो का कोई मतलब होता ही नहीं है, अब हमको इंक्वल करना है एक संख्या माइनस की और एक संख्या किसकी है प्लस की है, तो अभी भी मैंने आपको सिखाया कि एक संख्या माइनस की होती है एक संख्या प्लस की होती है, थोड़ा इनको जोड़ते समय इनकी बाकी करते हैं। अब हमें इनको जोड़ना है, माइनस तीन में सात जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे घटाकर, सात में से तीन गया कितना बच गया चार, अभी चार प्लस का बचेगा या माइनस का, बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या की प्लस है तो प्लस का बचेगा, तो इधर भी चार आ गया और इधर भी चार आ गया, तो दोनों तरफ हमारे पास उत्तर कितना गया बच्चों चार चार आ गया। आई बात समझ में, जब दोनों तरफ उत्तर बराबर आ गया तो हमारे उत्तर की जांच होगी कि हमारा उत्तर एक्स बराबर जीरो बिल्कुल सही है। तो मैं आशा करता हूं कि आज आपको बताए ये तीनों ही सवाल बड़े अच्छी तरह समझ में आए होंगे।
बड़ा इन सवालों को ध्यान पूर्वक पढ़ना। धन्यवाद।